प्रेम एक ऐसा शब्द है ना, जैसे कान में जाता है ना, लगता है इसे मधु है, जैसे जीप पर मधु आता है कितना अच्छा लगता है ना, ऐसे कान में प्रेम जाता है ना, लगता है प्रेम वो सामने वाले को बांध देते हैं। जैसे आपका नहीं पता लेकिन जो आजकल के जमाने की पत्नियां है ना, दिन में 4 बार फोन करेंगी, कहाँ हो, अच्छा वीडियो कॉल करो, कमरा देखना मुझे, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मैक्लोडगंज में तुम नहीं लग रहे हो, चोट तो आई नहीं रही है, कहीं और लग रहा है, चलो दिखाओ वीडियो। अब बेचारा उसने शादी किया है कि गुलामी की है, सेम उधर भी ऐसा होता है, बाप रे भयानक बीमारी है। ऐसे मर्द से तो शादी नहीं करना चाहिए जो आपका फोन डिटेल देखता रहे। आपको पता है प्रेम का ही दूसरा नाम है भक्ति, इसी को ही कहते हैं समर्पण। प्रेम ना सबके जीवन में है, कोई ऐसा नहीं है जो प्रेमी नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई ना कि अरे हम प्रेम से युक्त हैं, उस दिन जीवन में निराशा सदा सदा के लिए छट जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप अपने आप से प्यार करते हैं, करते हैं सच। और सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान, हम जीव लोग सबसे अधिक अगर प्रेम करते हैं तो अपने आप से करते हैं, क्योंकि हमको पता है ये बात, हमारे दुख में कोई पार्टनर नहीं बन सकता। सुख में तो बन सकते हैं लोग, लेकिन दुख में कोई नहीं बन सकता। और जब हमारे दुख का कोई साथी ही नहीं है तो फिर किसको किसको कितना प्यार करेंगे हम लोग। हम तो उसे प्यार करते हैं ना ये जो हमारे दुख में काम आए, और जब विचार करते हैं तो हम अपने को ही पाते अपना साथी, और कोई हमारा साथी नहीं है। हमारे अलावा हमारे कोई साथी है तो परमात्मा है, अंतर्यामी हमारे ठाकुर जी है। प्रेम एक वो भावना है जो आपको मजबूर करता है उस चीज को हासिल करने में। हमने कहा ना, आज अगर लोग में जो प्रेम है वो क्या होता है, जब किसी को किसी लड़के से हो जाता है या किसी लड़का को किसी लड़की से हो जाता है, तो मम्मी पापा लोग लाज दुनिया सब किनारे, और फिर शादी कर लेते हैं या शादी करने से पहले कहीं भाग जाते हैं, क्या क्या करते हैं। अगर सोचो इतना ही प्रेम, केवल इतना ही प्रेम परमात्मा से हो जाए तो परमात्मा से हम जुड़ नहीं जाएंगे, उसको हम अपना नहीं बना लेंगे। लौकिक दृष्टि से हमको दिखता है कि सामने वाला हमको सुखी रखेगा, हमारा बहुत ख्याल रखेगा, इसलिए अपनी उस इच्छा की पूर्ति में हम पूरी दुनिया से दुश्मनी ले लेते हैं कि जिसके साथ रहना है अगर वो हमारा ख्याल रखेगा तो फिर मुझे दूसरे की परवाह नहीं है। यही बात समझ में आ जाए मन को कि मालिक साहब जो है ना, हमें कभी अकेला छोड़ेंगे नहीं, हमें कभी कष्ट में पड़ने नहीं देंगे, तो इंसान से कई गुना ज्यादा प्रेम परमात्मा से हो जाएगा।